दलदल जैसी सड़क से निकलने को मजबूर है कॉलोनी वासी। धौलपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 9 पोखरा कॉलोनी के निवासी कई महीनों से जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। रास्ते में कीचड़ भरा हुआ है, जिसके चलते वार्ड वासियों का रास्ते से निकलना दूभर हो गया है। महिला और बच्चे गंदे पानी में से होकर निकलने को मजबूर है, जो आए दिन कीचड़ से फिसल कर चोटिल भी होते रहते हैं। कमाल की बात यह है कि यह जल भराव खुद वार्ड पार्षद के घर के सामने हो रहा है। वार्ड पार्षद रेणु कुशवाहा ने बताया कि कई बार नगर परिषद को लिखित में शिकायत करने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने ठेकेदार पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि नाले की सफाई के टेंडर होने के बावजूद ठेकेदार ने नाले की सफाई नहीं कराई है। वही हारे हुए प्रत्याशी मनोज जाट ने भी नगर परिषद पर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर परिषद में कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। अब देखो सारी लाइटें बंद पड़ी है, सारी हमारी रास्ता निकलने का है, मोटरसाइकिल तक नहीं निकल रही है। मैंने ईओ साहब को कह दिया, जेएन साहब को कह दिया, कमिश्नर साहब को कह दिया, आप भेज रहा हूँ पता नहीं कहाँ से भेज रहे हैं, अमेरिका से भेज रहे हैं या लंदन से भेज रहे हैं, पता नहीं क्या है। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम गिरिराज शर्मा है, मानसरोवर कॉलोनी में इसे ही हूँ। मेरा मेन रोड से इतना हो जाना आए दिन क्या हो रहता है। ईओ साहब का ध्यान नहीं।